Guys, again it's raining. So guys, हम लोग वेट कर रहे हैं कब ये रेन रुकेगी, बादल हटेंगे और हम जाएंगे. अब तो और ज्यादा आ गए हैं, लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा, सब इनविजिबल हो गया. टाइम हो गया 9:45 बज रहे हैं. ये तो बांग्लादेश व्यू पॉइंट है. बोर्ड तो लगाने चाहिए, एटलीस्ट बोर्ड लगाने चाहिए. हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे. गाइस, अभी जस्ट मैं उठी हूँ और उठते ही मैं देखती हूँ बारिश हो रही है, झम 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 झम. देखो अभी हल्की सी स्लो हुई है, अभी फिर से तेज हो जाएगी है और फुल्ली बारिश वाला मौसम हो गया है. ये हमारा ना रूम हमने शिफ्ट कर लिया था बिकॉज हम इसी के जस्ट साथ वाले ही होम स्टे में थे परसों, क्योंकि रीज़न ये था कि वहाँ पे ऑलरेडी ना काफ़ी हैवी बुकिंग हो रखा था पहले से ही. तो वो जो मोनिका होम स्टे है, उन्हीं की ही बड़ी सिस्टर का साथ में ही घर है. उन्होंने भी कुछ रूम्स जो हैं वो देते हैं रहने के लिए एज अ टूरिस्ट को. तो हम लोग जस्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं पड़ा. हम वहाँ से रेडी होके निकल गए थे, उन्होंने ही हमारा सामान वगैरह सब शिफ्ट कर दिया था. तो ये जो घर है ना, घर तो बहुत सुंदर है. मतलब यहाँ का ये दो घर मुझे बहुत पसंद आए, एक तो मोनिका होम स्टे वाला घर और एक ये सलीना होम स्टे. तो ये दोनों घर बहुत ब्यूटीफुल हैं. जब बारिश रुक जाएगी तो मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाऊँगी घर का, बहुत सुंदर घर है. तो ये है बारिश के कुछ मज़े लीजिए. ये हमारी हिमालयन घड़ी और गाइस नोएडा की गाड़ी, कोई तो आया, एटलीस्ट एक और भी है. तो अच्छा लगता है जब आपके उधर के कोई आ जाते हैं, तो लगता है कि वाह. वरना इतने दिन से मुझे लग रहा था पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में आ गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था हम ही दिल्ली वाले हैं, कोई मिल ही नहीं रहा था. और जब हम JMS लॉज में थे तो तब भी हमें नोएडा की फैमिली मिली थी, बहुत ही अच्छे थे. उन्होंने हमसे नंबर वगैरह भी एक्सचेंज किया, वो बहुत स्वीट थे. तो हम ज़रूर उनसे मिलेंगे, उन्होंने हमें इन्वाइट भी किया था. तो अच्छा लगा मिलके, क्योंकि नोएडा तो मेरे रिलेटिव्स बहुत सारे रहते हैं, तो एक वाइब मिल जाती है ना जब आप एक ऐसी जगह पे घूमने जा रहे हो और आपको लगता है कि यार वहाँ पे अपना कोई भी नहीं है उस साइड का, ना दिल्ली का, हरियाणा, पंजाब, यूपी, कहीं का भी नहीं है. पर जब दिखते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है कि वाह चलो कोई तो है, एटलीस्ट हम ऐसे प्लेनेट पे नहीं है, ऐसी जगह पर नहीं है कि जहाँ हमारे जैसे लोग नहीं हैं. तो बड़ा अजीब सा लगता है जब आप कहीं जाते हो और आपको अपने जैसे कुछ लोग नहीं मिलते हैं, तो थोड़ा सा अजीब फील होता है, नो डाउट. तो हमें भी बहुत अच्छा लगा कि चलो जहाँ हम रुके हुए हैं वहाँ पे कुछ हमारे वहाँ के लोग आए हुए हैं घूमने के लिए. बट हैट्स ऑफ, इतनी दूर से गाड़ी से आना, मतलब इनका कितना तो पेट्रोल, टोल टैक्स, काफ़ी कुछ लगा हुआ है यार, नो डाउट. आई थिंक मुझे लगता है कि ठीक है अपना अपना शौक है, बट अगर आपको फैमिली के साथ घूमना है ना तो इट्स बेटर आप फ्लाइट ले लो गुवाहाटी से या सिलीगुड़ी से, जहाँ से आपको दिल्ली से कंफर्ट लगता हो, और फिर आप कैब या टैक्सी को बुक करके अपना आगे कंटिन्यू करो मेघालय साइड या अरुणाचल साइड, जो भी आपको सही लगता है. तो अभी बस गाइस हम लोग आ जाएंगे डबल डेकर, जो कि नेचुरल रूट का बना हुआ है, फ्लाईओवर टाइप, वर्किंग फ्लाईओवर जिसे आप कह सकते हैं. और बेबू क्या कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं सब गाइस. हमें दो बेड मिले हुए हैं, फैमिली रूम है. हाँ, फैमिली रूम है गाइस, क्योंकि और कोई अवेलेबल नहीं था. तो सेम प्राइस पे है जिस प्राइस पे हम मोनिका होम स्टे में थे, उसी प्राइस पे हमें आंटी ने ये दिलवा दिया था. तो ठीक है, अब जो भी मिल जाए ठीक है. यहाँ पे वैसे इतना सब कुछ फुल चल रहा है ना, जिस होटल में आप जाओगे पूछने के लिए भी मैन्युअली हम गए हैं, सब पैक. मैंने कहा परसों के लिए, तरसों के लिए, सब पैक. अरे भाई सभी पैक्ड है यहाँ पे. तो बुकिंग करा के जाना सबसे बेस्ट होता है. तो हमारा तो यही है कि हम इन फ्यूचर जब भी मेघालय आएंगे तो मोनिका जो होम स्टे है वहाँ पे आंटी को फ़ोन करके पहले से एडवांस बुकिंग करा देंगे. क्योंकि मुझे मोनिका होम स्टे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि रीज़न इज़ दैट जो रूम कपल रूम ऊपर बना हुआ है ना, उसमें जस्ट बाहर निकलते ही बालकनी है, बहुत अच्छा सा व्यू लगता है. तो मैं तो प्रेफर वही करूँगी अपने लिए, जब जब यहाँ पे आना होगा तो मोनिका होम स्टे का रूम कपल वाला जो उनका अलग रूम है वही बुक करूँगी मैं. सो बारिश रुक गई गाइस, चलते हैं अपनी चाय बनाने. और चाय मैं अपनी केटल में ही बनाती हूँ, मैंने केटल ऑर्डर की हुई है, अमेजोन से मंगवाई थी गाइस, मैं आपको दिखाऊंगी. बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, नो डाउट. अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो बहुत ही पोर्टेबल है, छोटी सी हो जाती है और स्पेस सेविंग है.
सो दिखाऊंगी किसी दिन आपको, आज थोड़ा टाइम नहीं है गाइस क्योंकि जल्दी जाना है, डबल डेकर के लिए लेट हो जाएंगे फिर, और मैं ही सबसे ज़्यादा लेट करती हूँ त्यार श्यार होने में तो चलते हैं, थोड़ी देर में मिलूंगी गाइस आप लोगों से। गाइस अगेन इट्स रेनिंग, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 और चाय चल रही है हमारी, बारिश बहुत तेज हो रही है। चाय बिस्किट चल रहे हैं और बारिश जोरदार हो रही है और हमें जाना है 8 बजे, बस 1 घंटे में बस ये बारिश हो जाए जितनी होनी है उसके बाद निकलें फिर हम, क्योंकि बारिश सही में बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, रुक जाएगी गाइस मुझे ऐसा लगता है, रुक जाएगी थोड़ी देर में। जो सामने टोकरी लटकी हुई है ना वो सर पे लगा के निकल लेते हैं दोनों, और हमारे पास यहाँ पे ना गाइस वही है जो ये जो क्या होते हैं ना, अरे क्या बोलते हैं इसको, वुडन जो होती है ना ये छतरी टाइप, बैम्बू नहीं होते ये वुडन की कुछ बनाते हैं क्रिएटिविटी और सर पे डालने के लिए, तो वो डस्टबिन है और भाई कपड़े गीले कर देगी भाई, ये तो बहुत तेज होगी, दिखाता हूँ भाई आपको अभी। मेरे को गाना याद आ रहा है, हिम ये सावन का महीना आया है, मौसम होगा तुम का फिर चल के आ। अरे ओले पड़ गई क्या? ओले नहीं पड़ रहे, बारिश की बूंदे गिर रही बहुत जोर जोर से फटफट करके। देख रहे हो गाइस कितनी जोरदार बारिश हो रही है एकदम। अगर आप इस बारिश में आओगे ना मैं वो सब कुछ करूंगी जो आप बोलोगे मेरे बस की नहीं है भाई, सोच लो ऑफर अच्छा है। तो गाइस अपनी चाय वाय एंजॉय करते हैं उसके बाद निकलने की तैयारी करते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बारिश हो रही है, काश दिल्ली में हो जाए थोड़ी सी बारिश, वहाँ के लोगों को राहत मिल जाएगी, काश ये बारिश वहाँ चली जाए, हमारे वहाँ के सभी लोग मस्त मजे करें इस बारिश में, इतनी गर्मी हो रही है उधर और यहाँ जाने की हिम्मत नहीं हो रही आगे। सो गाइस अभी मैं नहा धो के आई हूँ और मैंने देखा बाहर आते ही देखो एकदम से क्लाउड्स आ गए हैं, और ये देखो गाइस कैसे क्लाउड्स आ गए, एकदम कुछ भी नहीं दिख रहा, सब इनविजिबल हो गए। बच्चे जा रहे हैं स्कूल यहाँ के इसी ठंडी में, ठंड हो गई, बारिश जमा हुई है ना, बहुत तेज बारिश हुई है और अभी फिर होगी देखना तभी हटेंगे, यहाँ पे ऐसे होता है बारिश आती है उसके बाद फिर वाइट बादल आ जाते हैं उसके बाद फिर बारिश आती है फिर वो हट जाते हैं, फिर चलता ही रहेगा ये सिलसिला, धूप निकलने में भी 1 घंटा लगेगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि बारिश नहीं आ रही तो बस अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, लाइट भी थोड़ी नहीं आ रही सर, गीजर नहीं चल रहा, निकलते हैं गाइस यहां से तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपको अपनी बाइक हिमालयन पे। सो गाइस हम लोग वेट कर रहे हैं कब ये रेन झुकेगी, बादल हटेंगे और हम जाएंगे, अब तो और ज्यादा आ गया, लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा, सब इनविजिबल हो गया, टाइम हो गया 9:45 बज रहे हैं, बस 10-15 मिनट और वेट करेंगे उसके बाद फिर निकल ही जाएंगे, क्योंकि फिर ट्रैक भी है ना उसका, फिर क्योंकि उसमें 3600 सीढ़ियां हैं स्टेयर्स चढ़ के जाना है तो दिक्कत भी हो जाएगी, 1 घंटा तो स्टेयर चढ़ने में भी लगी जाएगा, फिर 1 घंटा नीचे उतरने में, आधा पौना घंटा वहाँ पे रुकेंगे भी, तो 3 घंटे तो हमारे गए, तो बस मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब और ठंडा मौसम हो गया, मैं दिखाता हूँ पीछे एकदम बादल आ चुके हैं यहाँ पे, क्लाउड्स आ रखे हैं बिल्कुल, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो बाइक चलेगी कैसे, तो दिक्कत भी है थोड़ा सा ना, क्योंकि एरिया कैसा है नया है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, तो थोड़ा सा मौसम खुल जाए ना तो अपन निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि क्लाउड्स जो थे ना पहले हट गए थे लेकिन अब ज़्यादा ही आ गए हैं, और मुझे लगता है जब तक बारिश नहीं आएगी ना तब तक ये जाएंगे भी नहीं, तो बस कोशिश कर रहे हैं गाइस जल्दी से जल्दी निकलने की, थोड़ा मौसम खुलता है तो आपको अपडेट देते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस निकल गए अपने गेस्ट हाउस से, तो मौसम थोड़ा बहुत खुल गया है गाइस, थोड़ा बहुत मौसम खुल गया है और
टाइम हो रहा है 9:30 ऑलमोस्ट। टाइम लग गया क्योंकि मौसम ख़राब था और जाना सही नहीं था, बहुत ज़्यादा क्लाउड्स आ गए थे तो कुछ दिखाई नहीं देता, इससे अच्छा थोड़ा वेट कर लिया। आ रही आ रही है, वापसी में ले लेंगे ना। तो भाई देखो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, बादल बिल्कुल खड़े हुए हैं सामने नीचे और हम बादलों से ऊपर चल रहे हैं, इसलिए तो गाइस यहाँ पे सब आते हैं रेनी सीजन में क्योंकि ये सब देखने को मिलता है। आगे देखो कितने भयानक बादल आ रखे हैं। सैडल बाहर तो नहीं है ज़्यादा, सैडल ठीक है ना। तो गाइस अभी पूछा तो बताया कि यहीं से ही है, 10 किलोमीटर के आसपास है और ये बिल्कुल कल जैसे रास्ता है, बिल्कुल जब हम नीचे जा रहे थे वो बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ, वो एक वाटरफॉल दिख रहा सामने से राइट साइड से, 7 सिस्टर नहीं है ये कोई और है। ये घूम के आ रही है वापिस करी आई, ज्यादा तो नहीं निकले। वाह ये डबल डेकर से ही आ रही है शायद, 10 भी तो बज रहे हैं, ये निकल गए होंगे 8 बजे, अब इसको कहीं और घुमाने ले जा रहे होगा ना। अरे हम बारिश के चक्कर में लेट हो गए ना। कहाँ आ गए वो पेड़ों में से वो गिर रहे हैं, बरसात यहाँ आ भी जाएगी तो ज़्यादा लगेगी नहीं क्योंकि पेड़ इतने। कहाँ से क्या खोज मारा, वो चिल्ड्रन डे का है क्या, वो इको पार्क का है क्या ऊपर वो ब्रिज, 7 सिस्टर ही था ना, नहीं वो तो 7 सिस्टर नहीं है। सेवन सिस्टर नहीं था, पानी ज्यादा था उसमें। साला यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। ये तो बांग्लादेश व्यू पॉइंट है। कल वाला तो नहीं है ये, कोई और ही है लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। देखो वाटरफॉल, 7 सिस्टर तो नहीं है ये, कोई और है। hmm.
घनी घाटी है लेफ्ट साइड में। जंगल डबल डेकर भी जबरदस्त है। नहीं इधर तो साला कोई आ ही नहीं रहा। आ रहे हैं बोर्ड तो लगाने चाहिए, एटलीस्ट बोर्ड लगाने चाहिए। सिंगल वाला डॉकी में नहीं नहीं अच्छा एक बार पता चल जाता ना और कितनी दूर है। क्या बताए लिखा हुआ आ जाए अभी। चेरापूंजी हॉलीडे रिसोर्ट यहाँ पे है नीचे 5 किलोमीटर। चेरापूंजी हॉलीडे रिसोर्ट वो जो वहाँ पे खाना खाते हैं जहाँ पे ऑरेंज रूट में वो नीचे है 5 किलोमीटर अभी। हाँ बहुत ऑलमोस्ट नहीं फिर नहीं बचा पाएगा। फिर तो हेलमेट ही बचाएगा ना फिर आपको।